हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का संजय कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। माय सेल्फ सैयद अब्दुल मन्नान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारी आसपास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। एंड ये चैप्टर में मैटर की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक एंड उसके टाइप्स हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट, as we look at our surrounding, we see a large varieties of things with different shape, size and texture. Everything in this universe is made up of material which scientist has named matter. Means हमारी आसपास जो भी चीज़ अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल बेंचेस, चॉक, नोटबुक, बैग, फैन, एसी, कपबोर्ड, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। मीन्स साइंटिस्ट ने उसको क्या नेम दिया? मैटर नेम दिया। वो सभी का शेप डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा, सभी का टेक्सचर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। सम अदर एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल एयर वी ब्रीथ, एयर जो है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, फूड ईट, हम जो फूड ईट कर रहे हैं, स्टोन है, क्लाउड है, स्टार है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस एंड स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी क्या है? वो हमारा क्या मैटर है। एंड सिंगल पार्टिकल ऑफ सैंड, सिंगल पार्टिकल ऑफ सैंड, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। एंड एवरी थिंग्स, आप देख सकते हो एवरी थिंग इज मेड ऑफ सम डिफरेंट साइज एंड सम डिफरेंट शेप, एंड एवरी थिंग इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। मीन्स वो क्या करें, स्पेस कंज्यूम कर रहा है एंड वो क्या कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ मास होगा। इन अदर वर्ड वे टू डिस्क्राइब मास एंड वॉल्यूम। मीन्स जो भी मैटर है, फॉर एग्जांपल वाटर ले लो, तो वाटर भी क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई स्पेस। मीन्स वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है। आप उसको बॉटल में रखो, आप उसको ग्लास में लो, तब भी वो क्या करें? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एंड उसका कुछ ना कुछ मास होगा। इन तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो मैटर इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑक्यूपाई मास। एंड हियर आपको एक वॉल्यूम दिया हुआ है, मींस जो स्पेस है हम उसको किसमें कंसीडर करेंगे? वॉल्यूम में, मींस क्यूब में। आप उसको थ्री डायमेंशन में करो, उसको एरिया आपको डिराइव करना है, मींस एरिया आपको फाइंड करना है, तो हम उसको किस में देखेंगे? वॉल्यूम में देखेंगे। तो आपको यहाँ से क्या पता चला? मैटर इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज वेल एज अ वॉल्यूम। जो मास है उसको हम, उसका यूनिट कौन सा है? केजी है। उसका यूनिट कौन सा है? केजी है। एंड वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये आपको रिमाइंड रखना है। सिंस अर्लियर टाइम ह्यूमन बींग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस सराउंडिंग। एंशेंट टाइम में जो ह्यूमन बींग्स थे वो ये सराउंडिंग, जो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, जो मैटर अवेलेबल है, उस पर इसने क्या किया? स्टडी किया। एंड इंडियन फिलोसोफर ने उसको 5 बेसिक एलिमेंट में उसमें क्या किया? डिवाइड किया। उसको क्या नेम दिया? पंच तत्व। मीन्स उनका कहना ऐसा था कि जो भी मैटर अवेलेबल है इन स्पेस में, वो 5 चीज़ से बनी हुई है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 चीज से ही एवरी थिंग्स मेडअप हुआ है। वो शायद लिविंग थिंग्स भी हो सकता है एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स दोनों किससे मेडअप हुआ है? ये 5 पंच तत्व से प्रिपेयर हुआ है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। आफ्टर दिस जो ग्रीक के जो साइंटिस्ट थे उनने भी उसको स्टडी किया एंड फाइनली ये 5 चीज को उनने एक्सेप्ट किया। ये 5 चीज से ही एवरी थिंग्स मेडअप हुआ है। बट इन अ मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। बट मॉडर्न डे अभी जो के साइंटिस्ट है उसने क्या किया है? मैटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। मीन्स 2 टाइप में उसको डिवाइड किया, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिस्टिंग्विश किया गया एंड केमिकल नेचर से, एंड उसको नेम दिया गया। तो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड केमिकल जो नेचर है हम
सेकंड चैप्टर में उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। वो क्या बता रहे हैं? जो मैटर है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से प्रिपेयर हुआ है। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटीज दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपकी जो वॉल है कैसे प्रिपेयर हो रहा है। अब स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स क्या कर रहे हैं, उसको वन स्टेप में उसको पुट कर एंड फाइनली क्या प्रिपेयर हो रहा है, वॉल प्रिपेयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है तो हमारा पूरा बॉडी है वो कैसे प्रिपेयर हुआ है, स्मॉल स्मॉल सेल्स है। तो जो आउटसाइड का जो हमारा नेचर है, आउटसाइड का जो शेप है हमारा क्या फिजिकल है, बट इनसाइड क्या है केमिकल्स एंड अदर केमिकल्स के मिक्सअप होकर उसको प्रिपेयर किया हुआ, बट अंदर तो कंटिन्यूसली सेल्स है वो क्या है मूविंग होते ही रहते हैं। तो ये आपको एक एग्जांपल्स दिया हुआ है कि 100 ml एक बीकर लो, उसमें 100 ml वाटर आपको लेना है, एक बीकर लेना है उसके अंदर आपको क्या लेना है 100 ml वाटर लेना है, एंड आफ्टर दिस आपको एक स्पून सॉल्ट ऐड करना है, एंड फाइनली आप उसको क्या करना है स्टर करना है। आफ्टर दिस उसको क्या करना है स्टर करना है, मतलब उसको मिक्स करना है। तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, फर्स्ट आपने जब बीकर लिया था फॉर एग्जांपल उसका ये लेवल पर उसका वाटर अवेलेबल है, आफ्टर दिस आप एक स्पून सॉल्ट डाल लो, आफ्टर दिस उसको स्टर कर लो, तो क्या हो रहा है जो वाटर लेवल था वो क्या हो रहा है स्लोली इंक्रीज हो रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, मीन्स हमें क्या पता चला जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो अवेलेबल थे सॉल्ट के, मीन्स सॉल्ट के अंदर क्या है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है, एंड वो क्या करें ऑक्यूपाई स्पेस भी कराएँ एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, मीन्स आप उसका वॉल्यूम एंड उसका मास देखोगे तो अब वाटर का जो मास एंड वॉल्यूम होगा क्या होगा डिफरेंट होगा, एंड वो पूरे वाटर के अंदर वो क्या हो रहा है डिजोल्व हो रहा है, पूरे वाटर में वो डिजोल्व हो रहा है। उससे पता क्या चला कि एवरी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। किसे बना हुआ है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, बिकॉज स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है इसीलिए क्या हो रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एवरी वाटर में सभी जगह पर क्या होगा वो अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट जो था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। चलो अब हमने डिस्कस तो किया, आप यहाँ पर शुगर भी ले सकते हो, अपने होम में किया होगा शुगर है, हम शुगर का एनी ड्रिंक प्रिपेयर कर रहे हैं तो शुगर आप ऐड करो, आफ्टर दिस उसको स्टर करो तो वाटर लेवल 100% क्या होगा लिटिल बिट इंक्रीज होगा, जो लेवल था उससे क्या होगा लिटिल बिट इंक्रीज होगा, एंड जो शुगर के जो पार्टिकल्स है वो पूरे आपके जो ड्रिंक का आपने ग्लास लिया हुआ है या जो भी आपने बकेट लिया उसके अंदर क्या होगा मिक्सअप हो रहा है, कहीं से उसको टेस्ट करो तो क्या होगा आपको वो क्या टेस्ट दिखाई दे रहा है शुगर आपको स्वीट आपको दिखाई दे रहा है, मीन्स वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से प्रिपेयर हुआ है, मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से क्या हुआ है बना हुआ है। एंड अब चलो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ हो तो मैं पता चला बट कितना स्मॉल, मतलब स्मॉल के अंदर भी कितना स्मॉल, हाउ स्मॉल आर देयर पार्टिकल ऑफ मैटर, वो कितना स्मॉल है वो हमें अभी ये एक्टिविटीज़ में देखना है। यहाँ पर आपको सेकेंड एक्टिविटी दिया हुआ है 2 and 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेना है आपको, 2 या 3 क्रिस्टल मीन्स 1 सॉलिड फॉर्म में उसको 2-3 क्रिस्टल समय लेना है, उसमें कहाँ पर ऐड करना है एक बीकर में उसको ऐड करना है, 100 ml हमें वाटर लेना है, 100 ml क्या करना है वाटर में लेना है, उसके अंदर में क्या ऐड करना है पोटेशियम परमैंगनेट हमें ऐड करना है। आफ्टर दिस आप उसको ऐड करोगे तो जो वाटर का जो कलर था वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, पिंक कलर में आ रहा है। सिमिलरली आपको 3-4 बीकर लेना है, 3-4 आपने बीकर लिया, हियर जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसमें से आपको 10 ml क्या करना है आपको सॉल्यूशन लेना है, 10 ml सॉल्यूशन लेना है, एंड सेकंड बीकर में 90 ml वाटर हमें प्योर वाटर मिक्सअप करना है, एंड वो 90 ml है उसके अंदर ये 10 ml आपको क्या करना है ऐड करना है। अब ऐड करोगे तो उसमें भी लिटिल बिट कलर में चेंज आ रहा है, अगेन आपको 10 ml यहाँ से लेना है और सेकंड बीकर में आपको डालना है, यह आपको 90 ml अगेन आपको वाटर लेना है और उसके अंदर आपको ऐड करना है, एंड अगेन आपको आप इस 10 ml फोर्थ बीकर में ऐड करना है,
तो आप देखोगे कि फोर बीकर में आप ऐड करते जा रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो 100 ml वाटर लिया हुआ है, उसके अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर रहे हैं। आफ्टर दिस हम 10 ml वाटर, ये जो सॉल्यूशन है हम सेकंड बीकर में डाल रहे हैं, अगेन उसके बाद सेकंड बीकर में डाल रहे हैं, अगेन उसको सेकंड बीकर में डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हो एवरी बीकर में लिटल बिट चेंज आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। फोर्थ जो बीकर था उसके अंदर जो कलर का जो चेंज है माइनर है, मतलब वो पिंक, स्मॉल स्मॉल पिंक सबको दिखा दे। तो आपको पता चला हमने क्या लिया था, 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए थे, मतलब एक फॉर एग्जांपल उतना क्रिस्टल है। ये जब हमने वाटर में डाला तो पूरा वाटर वो पिंक हो रहा है, मींस उसके अंदर आप सोच सकते हो वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है, मींस ये सिंगल क्रिस्टल है, उसके अंदर बिलियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है। वो क्या हो रहा है, 1 में से 2, 2 में से 4, ऐसा वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगेन हमने क्या लिया, उसको सेकंड बीकर में ऐड किया, वहाँ पर भी वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। थर्ड बीकर में भी गया तब भी वो डिवाइड हो रहा है, तो कलर आपको दिखाई दे रहा है। फोर्थ बीकर में भी हमने आपने डाला, तो मीन्स आप सोच सकते हो मिलियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आर अवेलेबल। आप सोचो एक सिंगल ये हमने मैंने डॉट्स आपको ड्रॉ किया हुआ है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है, टीनी पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो आप सोच सकते हो कि जो भी मैटर है तो बिलियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स वो मेडअप हुआ है। ये आपको एक्टिविटीज आपके होम में करना हो तो डेटॉल आपके होम में होगा, डेटॉल उसको आपको क्या करना है, सिमिलरली बीकर्स आपको लेना है, बीकर्स में 1 बीकर में आपको उसको डालना है, उसका सेकंड बीकर का आपको 10 ml या जो भी 10-15 ml आपको सेकंड बीकर में डालना है, थर्ड में भी डालना है, फोर्थ में भी। आप देखोगे तो आपको स्मेल्स, जो डेटॉल का जो स्मेल है वो आपको आता ही रहेगा। मीन्स आप देख सकते हो कि सिंगल ड्रॉप ऑफ डेटॉल आपने डाला था फर्स्ट बीकर में, सेकंड में डाला, थर्ड में डाला, उसी का सॉल्यूशन, तो आप देख सकते हो जो डेटॉल की जो स्मेल है वो आपको आ रही है। मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कि जो पार्टिकल है वेरी स्मॉल पार्टिकल से प्रिपेयर हुआ है, मीन्स जो मैटर है वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से क्या हुआ है, प्रिपेयर हुआ है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, मतलब हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते उतना स्मॉल पार्टिकल से वो प्रिपेयर हुआ है। आफ्टर दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मीन्स जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बता रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने एक्टिविटी 1 और 2 देखा, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया था, एक वाटर लिया हुआ है, वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को हम ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एंड सेकंड जो था हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं। तब सोचो जब सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं, आफ्टर दिस हम उसको स्टर कर रहे हैं, तो इन वाटर लिटिल बिट स्पेस आर अवेलेबल। एंड जो सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो अंदर ऐड हो रहे, कहाँ पर एवरी जो स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर वो क्या हो रहा है, उसके अंदर मिक्सअप हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है। आप कहीं से भी उसको टेस्ट करो क्या होगा, सॉल्टी होगा, तो उससे पता चल रहा है कि जो वाटर है उसके अंदर क्या है, स्पेस अवेलेबल है। वो स्पेस के अंदर NaCl का जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पर आकर वो स्टे हो रहा है। सिमिलरली आपने सेकंड एग्जांपल देखा पोटेशियम परमैंगनेट का, हमने देखा जैसे हम 1 ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हम ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, तब आपको पूरा जो वाटर जो फर्स्ट था विदाउट कलर जो था, अब क्या हो रहा है, पूरा पिंक हो रहा है। मीन्स आप देख सकते हो वाटर के अंदर स्मॉल स्मॉल कहीं ना कहीं स्पेस अवेलेबल है, मीन्स लिक्विड के अंदर स्पेस अवेलेबल है, तभी वो क्या कर रहा है, वहाँ पर जाकर वो एग्जिस्ट हो रहा है। और आपको पूरा जो बीकर में सब ट्रांसपेरेंट बीकर आप ले रहे हो, तो आपको पूरा पिंक आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स हमें पता क्या चला कि वो ऑक्यूपाई स्पेस हैव, मीन्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मीन्स मैटर के अंदर क्या है, स्मॉल स्मॉल स्पेस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप नींबू शरबत ले लो, नींबू पानी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अब लेमन जब फॉर एग्जांपल आप एनी एक ग्लास के अंदर वाटर ले रहे हो, वाटर के अंदर हम क्या करें, नींबू के 1-2 ड्रॉप्स हम क्या करें, ऐड कर रहे, आफ्टर एडिंग आप उसको स्टर कर रहे हो, आप उसको स्टर करोगे और उसको आप चेक कर रहे हो, मतलब आप उसको टेस्ट करो, कहीं से भी टेस्ट करोगे आपको क्या होगा, नींबू का आपको टेस्ट आ रहा है, मीन्स नींबू का टेस्ट आ रहा है। क्यों, सभी जगह से आ रहा है, हमने तो डाला था लेफ्ट साइड या राइट साइड, कहीं पे हमने डाला हुआ है तो वहाँ से ही आना चाहिए ना,
नहीं, वो क्या है, इन बिटवीन वाटर के अंदर स्पेस अवेलेबल है, इसीलिए क्या हो रहा है, मैटर के अंदर स्पेस अवेलेबल है, तो जो लींबू के जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स है उसके जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पर हो रहे हैं, सभी स्पेस के अंदर वो स्टेडी हो रहे हैं। आप कहीं से भी इसको टेस्ट करो तो आपको क्या लगेगा, वो सॉल्टी आपको लगेगा, मतलब नींबू पानी का आपको टेस्ट आ रहा है, मीन्स उससे पता चल रहा है कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, मीन्स उसके अंदर स्पेस होना चाहिए तभी क्या होगा वो ये एक्टिविटी डन कर सकते हैं। मीन्स हमें क्या पता चल रहा है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, सेकंड जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल है वो क्या है कंटिन्यूसली मूविंग हो रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो स्टिक है जो हमारे होम के अगरबत्ती जो बोलते हैं उसको आप ग्लो करो, मतलब उसको आप हीट दो, आफ्टर हीटिंग उसकी जो स्मेल है पूरे आपके जो होम है उसके अंदर एक रूम है उसके अंदर आपको पूरी स्पेस जो स्मेल उसकी आ रही है, सेकंड रूम में भी आपकी उसकी स्मेल आ रही है, उससे क्या पता चल रहा है जो पार्टिकल्स हैं वो क्या मूव कर रहे हैं तभी आपको वो स्मेल आपको आ रही है। जो सेकंड जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी उसके अंदर एक बीकर लो, एक बीकर के अंदर हमें क्या करना है इंक डालना है, क्या करना है रेड या ब्लू इंक हम आपके पास जो भी है उसके अंदर क्या वन ड्रॉप ऑफ इंक आपको डालना है, आफ्टर दिस उसको आप वॉच करोगे तो क्या होगा जो इंक है वो क्या हो रहा है स्प्रेड हो रही है, उसके जो पार्टिकल्स है वो स्प्रेड होकर पूरे जो हमारा जो लिक्विड है उसके अंदर क्या होगा रेड रेड कलर आ रहा है, मीन्स उससे क्या पता चल रहा है जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है कंटिन्यूसली मूविंग हो रहा है। और ये सॉल्यूशन हम सेकंड में डालोगे जो हमने एक्टिविटी किया था पोटेशियम परमैंगनेट वाला, उसमें भी क्या होगा अब कलरलेस जो हमारा वाटर है उसके अंदर आप डालोगे तभी क्या होगा पूरे आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो रहा है उसके अंदर कलर हो रहा है, मतलब वो जो भी कलर का वो हो रहा है उससे क्या पता चल रहा है पार्टिकल्स है कंटिन्यूसली मूविंग है। एंड थर्ड जो एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट वाला यहाँ पर लिया हुआ है, आप उसको जो ऐड हमने किया हुआ है उसे जो क्रिस्टल हमने ऐड किया हुआ है उसको आप हीट दो, मतलब उसको आप बाहर से क्या करें उसको बर्नर से उसको हीट दे रहे हो, क्या हो रहा है बर्नर हीट दे रहे हो तो क्या फास्टली वो क्या हो रहा है कलर चेंज कर रहा है, मतलब पिंक फास्टली हो रहा है। एंड एक बीकर के अंदर आप ऐसे ही क्रिस्टल डाल दो, उसके जो क्रिस्टल है ऐसे डाल दो एंड सेकंड को आप हीट दो, तो दोनों में आप टाइम कंज्यूमिंग देखोगे तो क्या होगा हियर जो हीट हम जो दे रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है फास्टली कलर चेंज हो रहा है, हियर होगा बट टाइम लगेगा, उस समय पता क्या चल रहा है तो मीन्स जो पार्टिकल्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग दैट इज वेरी पॉजिटिव व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है कंटिन्यूसली मूविंग हो रहा है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूविंग फास्ट मीन्स उसका टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं, जैसे हमने थर्ड एक्टिविटी में किया हमने हीट दिया तो क्या होगा फास्टली वो मूविंग हो रहा है, तो उससे क्या पता चल रहा है अब टेम्परेचर इंक्रीज करो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये आपको रिमेंबर रखना है काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आप उसको हीट दे रहे हो पार्टिकल को हीट दे रहे हो तो क्या होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो इंक्रीज होगी। एंड जो हमारे मैटर्स है वो क्या इंटरमिक्सिंग मॉलिक्यूल से प्रिपेयर हुआ है, मीन्स आपको पता चल रहा है सभी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है मिक्सिंग हो रहा है, समटाइम्स होमोजीनियस है समटाइम्स हेट्रोजीनियस है, वो हमें पढ़ना ही ना नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। चलो मैं आपको एक बार बता दूँ होमोजीनियस मीन्स एक ही तरह के पार्टिकल, मीन्स सेम पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट है तो सिर्फ सॉल्ट ही नो अदर पार्टिकल, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पार्टिकल मिक्सअप होकर मैटर प्रिपेयर होना, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड सुगर, सुगर के अंदर एनी इम्प्योरिटीज अवेलेबल तो वो भी इन हेट्रोजीनियस हमारा मिक्सर होगा। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो क्या करें अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो एवरी पार्टिकल्स को क्या करें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आपको एक एग्जांपल्स एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ में क्या है आपको यहाँ पर 4-5 गर्ल्स आपको दिखाई दिया है वो क्या अगर ग्रुप के अंदर वो मिक्स है, मतलब उनने क्या उनके जो हैंड है बैक साइड से उसको टच किया हुआ मीन्स उसको फीड किया, अब उसको ब्रेक करना है उसको आप ब्रेक करना था आप ईजिली उसको ब्रेक नहीं कर सकते, बट सिंगल गर्ल हो या टू गर्ल हो उसने उनको
दोनों हाथ से मतलब बाइंडिंग किया हुआ था, आप उसको ईजिली कर सकते हो। बट अब उसको फिट मतलब 5-6 गर्ल्स इस तरह से वो जॉइंट हुए हो तो उसको आप इजीली उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ब्रेक करना है तो आपको क्या करना है, आपको फोर्स लगाना है। तो मींस वो अट्रैक्ट करे सभी को, क्या करे अट्रैक्ट। अब इस साइड से लेफ्ट साइड से उसको आप हैंगिंग करो या राइट साइड से करो, वो क्या करे सभी को अट्रैक्ट करे। तो सिमिलरली इन अ पार्टिकल में भी वही चीज़ हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल वाटर है, फॉर एग्जांपल आप एक नल है, एक नल में से क्या हो रहा है वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है। इन बिटवीन आप क्या करो एक फिंगर रख रहे हो, फिंगर रखोगे क्या होगा आपका जो वाटर जो आ रहा था उसमें क्या होगा टू डिवाइड में वो कैटेगरी वाइज वो डिवाइड हो रहा है। आफ्टर आपकी जो फिंगर थी उससे वो डिवाइड हो रहा है टू में एंड अगेन वो डाउन साइड आ रहा है, वो क्या रहा वापस वो मिक्सअप हो रहा है। आपने देखा होगा जो वाटर है, आपने वाटर अपने आपके फ्लोर पर डाला हुआ है तो स्लोली स्लोली वो क्या हो रहा है मिक्सअप हो रहा है, स्लोली स्लोली क्या हो रहा है मिक्सअप हो रहा है। आप देख सकते हो जो पार्टिकल है वो क्या है अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब वो क्या करे सभी को अट्रैक्ट कर रहे। एंड एक और आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि एक नेल ले लो एंड एक आपको चॉक ले लो एंड एक रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करो, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करो तो क्या होगा, स्ट्रेच करोगे तो वो क्या हो रहा है आप उसको अगेन उसको रिमूव करो, मतलब स्ट्रेच करने के बाद उसको छोड़ रहे हो तो क्या होगा वो वापस हो उसी पोजीशन पर आ रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है। नेल है तो नेल को आप हैमरिंग करो, हैमरिंग करने से क्या होगा उसको वन हैमर से आप उसको हैमर कर रहे हो नेल पर तो 1-2 हैमर्स वो क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या हो सभी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली आई और एक एग्जांपल आपको बता दूँ, जो मैग्नेट है वो क्या कर रहा है जो आयरन वाली जो चीज़ है उसको क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो फास्टली अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स ले रहे हैं उसके वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स है मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं बट उसका जो फोर्स है उसकी कंपेरिजन में क्या है वेरी लो है, आप उसको ईजिली उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। जो फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया, फर्स्ट हमने देखा पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके अंदर क्या होती है स्पेस अवेलेबल है। सेकंड जो हमने डिस्कस किया पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल है वो क्या करे सभी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड वाला जो था पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल है कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं मूविंग हो रहे हैं। आई होप सभी को ये अंडरस्टैंडिंग आया होगा कैरेक्टरिस्टिक और उसकी हमने डिस्क्रिप्शन दिया होगा। आपको कुछ भी पता नहीं चला इफ़ एनी डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो उससे क्या होगा नेक्स्ट जो वीडियो हम डालने वाले आपको नोटिफिकेशन होगी और आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।